C'est Nicolas Maritou. Catherine Dordier. सर अनाउंस किया था सर, उस हिसाब से जो है काफी लोग इस समय जमा हुए हैं इस एनडीएस पार्क में, तो आप किस तरह देखते हैं इसको, क्योंकि काफी अनुमान लगाए जा रहे थे कि लोग नहीं जुड़ेंगे, लोग साथ नहीं देंगे, तो क्या कहेंगे? ये लोगों का ही मूवमेंट है, आंदोलन है, तो लोग जुड़ेंगे, हमारी तो यही उम्मीद है, क्योंकि हम तो यहाँ जो लोगों के द्वारा बनाया गया एपेक्स बॉडी है, जो लद्दाख के लोगों की, खासकर लेह के लोगों की ख्वाहिश है, वैसे ही कारगिल में केडीए है, तो इन संस्थाओं की जो आंदोलन है उसको एक आवाज देने के लिए, उससे थोड़ा और अपना फर्ज निभाने के लिए आए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि लोग जुड़े हैं, मगर मैं हैरान हूँ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं का तो आंदोलन है, वो ना जुड़े तो फिर क्यों ये सब हो। तो ये लोगों का आंदोलन है और इसमें हम जुड़ रहे हैं, ना कि हमारे आंदोलन में लोग जुड़ रहे हैं। जी, तो काफी बुजुर्ग भी जुड़े हैं और रिटायर्ड ऑफिशियल्स भी जुड़े हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? और युवाओं की बात करें तो वो भी आगे आ रहे हैं इस समय, तो 25 किलोमीटर का जो पूरा एक दिन का जो आपने पथ यात्रा का अनाउंसमेंट किया है, किस तरह देखते हैं? जी, हर तबके के लोग जुड़े हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि बड़े बूढ़ों से लेके बच्चों तक। मुझे अभी आज सुबह फिर फोन आया स्विट्जरलैंड से, 90 साल एक मोहतरमा है, लेडी है लद्दाख की, जो खुद आ रही हैं हवाई जहाज लेकर दिल्ली में, जब पदयात्रा दिल्ली पहुंचेगी वो 90 साल की जुड़ेंगी और सरकार से गुहार लगाएंगी कि लद्दाख के लोग इतने शांतिपूर्ण तरीके से अपना लोकतांत्रिक हक मांग रहे हैं, कुछ अलग नहीं मांग रहे हैं, हम चाहते हैं कि और प्रदेशों की तरह यहाँ के लोग भी अपने ख्वाहिश से, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा विकास और क्या कहेंगे, मैनेजमेंट व्यवस्थापन खुद करें। तो यही छठवां शेड्यूल जो है वो ग्रास रूट पे लोकतंत्र देती है, ग्रास रूट्स पे, खासकर इंडिजिनस ट्राइबल एरियाज में, और फिर स्टेटहुड या यूटी विद असेंबली वो बड़े स्तर पर देती है। इन्हीं दो की तो मांग कर रहे हैं लद्दाख के लोग, तो भारत सरकार को तो खुशी खुशी लद्दाख के इतने बुनियादी मौलिक मांगों को पूरा करके अपने सीमाओं को और सुदृढ़ बनाना चाहिए और देश के लिए एक मिसाल बनाना चाहिए कि लद्दाख जो चीन पाकिस्तान के सीमा पर है वो उन दूसरे देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों से बहुत अलग है, यहाँ पर लोगों का इतना साथ है देश के साथ, इसे और अंडरलाइन करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ चीन और पाकिस्तान टैंक और फाइटर्स पे गर्व कर सकते हैं, भारत की सरकार, भारत वर्ष यहाँ की जनता पर गर्व कर सकते हैं। जी सर, डिस्ट्रिक्ट को लेकर आपने एक वीडियो भी जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जो सेलिब्रेशन है वो थोड़ा प्रीमेच्योर है, इस चीज को देखना पड़ेगा। दूसरा, जिस हिसाब से पद यात्रा की जब से अनाउंसमेंट हुआ है, हम जरूर यही जानते हैं कि आप भी कॉमेंट से वाकिफ रखते होंगे सर, ये कहा जाता है बहुत लोगों का कि ये बहुत जो पद यात्रा है वो कोई भी यूजफुल नहीं है, या अपने नाम को यानी अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश भी है, तो क्या कहेंगे इसके? देखिए, ऐसा जरूर तब भी कहा होगा जब गांधी जी ऐसे पदयात्राओं पे निकले थे, जिन लोगों का अपने फायदे हैं, मुफाद हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उन्होंने तब भी ये कहा होगा, और हर देश के, हर इलाके के, हर जनता के आंदोलन में कुछ लोग ऐसा कहते हैं, उसके वजह से नहीं कर रहे हैं हम, जो कल सुनहरा कल है हमारे बच्चों का उसके लिए हम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इससे विचलित नहीं हैं कि कुछ लोग क्या कहते हैं, वो अपना कर रहे हैं, हम अपना करेंगे, तेरे महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखें। एक सवाल सर, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य इस समय यहाँ पर उपस्थित, तो वो लेह एपेक्स बॉडी के जो सदस्य है उसको किस तरीके से समर्थन दें? हर एक्टिविटी में एक दूसरे का समर्थन देते हैं, तो ये यहाँ ले से हो रहा है तो ले एपेक्स बॉडी कर रही है, कारगिल का इसमें समर्थन है, कारगिल से हमें उम्मीद है कुछ और पहल की जाएगी, इनिशिएटिव्स होंगे उसमें, ले का, ले कारगिल की बात नहीं है, ये पूरे लद्दाख की बात है। अब ज्योग्राफिकली कारगिल बहुत दूर है और कश्मीर से करीब पड़ता है, और कश्मीर में बहुत इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, तो इस वक्त वो मौजू नहीं है,
यहाँ पर अभी ये मौजू है तो ये कर रहे हैं, बाकी इसके बाद हमें उम्मीद है कि मंजिल सबका एक है। अक्टूबर दिल्ली नो 2 अक्टूबर गांधी जयंती नो तेने ते वो ग्यारह से नाते जाने गांधी जी पद यात्रा ते सिंबोलिक नता है 2 अक्टूबर ले दिल्ली आते ने गतां लेचे से निजी खुटे कम भी होगा सर कसल लेते नहीं जीवे कम जो लेना मिमा समझिए खाप में ना जाते नो यं समझिए तो नो ले नजे रवा इन ना मी गे समा तुषे से नजे रवा इन ले तेरे दक्षा कजुक मी का मंगपोत जो ना ते वे नजे में गतां आते हो थोंग दुक मी गे संथाल इका जंचे जिंते तो की जीवे कम जो लेना खाक लेना ला तेने ते बंग लवक से का युजों समा ने मुस्लिम कम्युनिटी किलोमीटर दिल्ली ते जगह उनका पूरा रेवा से तेने रुमचे ने तेने आमा अच्छा चिक तेने नतां क्यों जुनो तेने मां मंगपो जिक नतां यूल में क्या ई मंग मी मंग यूं ते गुने नतां ई मंग यूं तू से नसा मां कासा तेने दिल नफला गांव आता ही संहल आता अंचल लजुक सना जाच करता अंचल लजुक सना ते जना आता ही डिमांड को नता गवर्नमेंट लगाता है 4 पॉइंट दिखाता बार बार कौन लाइज थे नौ लेकिन तरुण सफाई होता मिथप चीज पर जाते तेने ती दिन काओ का सोना मौजूद कुंदुनी कोई रिजल्टे आता नाजिन का आता है ता दिल्ली सफा 2 तारीख सफा आता लेपचुक से ही आता रैली खेल से नौ ले काओ यंग आता लद्दाख बात दिन सफा का आता है डिमांड बो आता है हाजिन मचाना तरुण आता गवर्नमेंट लगाता है नीच सच्चे से मिलना काओ आता लद्दाख बात शुरू न फला आता का डिमांड पर खुरते आता लास्ट जो नते ते तना आता इरादा चोस्ते नौ ले नाम संगति डिमांड आता पूरा मिचा तेते सफा आजा दुखचेज में नगाजा रहा हक पे मिलना नगाजा हकों पे मिलना नए यानी तहरीक पहुंचे चेन तेने ये उम्मीद होती ना ता रिवाय हो तक्षा गुमटू लाता जाचिक सपना ता चंमा दिल्ली अशोचे जी नोकते दिली ना ता एक इंजा चंमा रिजिक्स ते नोक मी मंगपे ना ता वॉलेंटियर का दिल्ली सपाई का रियली अशो ता कौन तैयार सोते दुक तेने ना जा अंजुमन इमामी ना गया मी मंगपो इका जोम थियो तेने ना रिवाय गवर्नमेंट ला तरु आता नीच साथे का वाती 4 पॉइंट डिमांड होता त्या फेस जाता सिक्स शेड्यूल कोई नता तो इन्ना दक्षा डिस्ट्रिक्ट दिखता है जो जाता है यहाँ शुक्से नुकसान रखते हैं मिना तो समा दीज दे ये नहीं डिमांड भी मिलना काओ स्कूचेस बहुत जरूरी नुकते ने वजह तो एहसास हो सके वजह समय होते हैं कैसे जो अजय तो नहीं कर गंगों माँ मंगपो जिक्स तो दुखा लेते हैं नहीं जुनू उन्हें थोड़ा कोशिश बहुत सम शिखा सानी तुम लोग ले तो ये दवा दवा जो यानी मत समय याले कैसा है आता सुनते हो का गंगों ने समय चेस ना आता लदास बो आता है आता इन्ना स्टेस बच्चे ना इन्ना सुनते सी मिलना आता गंगों दुक जवान दुक समय समय तुझे बोलिए मा कच्चे समरा चेस ना आता ना लदास से एडेंटी ना ती पेशान बो ते सब ते सब पमिलु ना नाम साता कुर्बानी सालते में नेत नेत बा ते नहीं ये समरा ये आता चीमी उन का दिन सब को कुर्बानी सालते नोक ते नहीं आता ये मीन को समझ करते तो ते ये तुझे चेस जिन वाता तरु का आता मंगबो हाँ मंगवा ना तरु ये रेली तुझे बन्ये रिफ्रेश इनका सर्दी तो ना नो नमले आता ये जूं सरकार लाले युवा थुसे नो की आता लादा लस्ते छोट साल गोस सी सेलु साल गोस लजीजे चार पावर साल गोस निना ता ते उतासा मिसाल चीज भेजे से ते वो आता कौन ला हों चूचे जाकी पे आता थक्कू जिक मिला ते मिसाल चीज पहले चमचूप जोस पाई ना आता उच्चों को नंगो फिलातांगोस ते नियंपुले ते यूं ही थक्कत गोचिंग आता चिचो कोशिश दुनिया ला
दिल्ली सुपर जीबे कमजोर लद्दाख पामी गुनी जात तनु ले तनी ई जीबे कमजोर जाचे से ग्या बामा मिगजी गुन साल पुर तनु इन उनको चंग लद्दाख पामी चंगा थेचो मास बहुत कोशिश में तनु ई स्कूल मा ओ लद्दाख पामी गुनी स्कूल मा नो लद्दाख पामी गुनी स्कूल मा नो लद्दाख पामी चंगे स्कूल मा नो याले सोंबा ई ओ मता ची मता लद्दाख से तंचा छनु जी ओ तनु कोजी रोशन स्कूल प्लस ने सुस ग्या बंद ना चंगा तंचा छनु मिज ओ तनु ते गुन मता जगर जुंगा इलोन बोठो चुकचे से पिया लद्दाख पामी मंगुनी मा जीवन नियम को मता कमजोर जाचे सुनो ई कमजोर क्यूते जीवे मता ई कमजोर क्यूते तने जगह जुना मते लोन बठो छुचे सुनो सर तने दिरिंग का पार्टिसिपेंट बचाम छिको तनो यंग ऐसा यूथ मेरा जुनु को ने थुदो छस बचाम छिका तने नो आ दिरिंग का मा नो मंग प्रोजेक्ट्स को दा जाते तो मते नंग खक्चन चोस दे जुनु गुन थु को छस को थेपसन खक्चन नो या लंगाता जे जो नंगाता जुनु गुन यगर बमा मनगाता जुनु मंग को यतकन यूल जिगु नो इन नंग जुनु गुन नि थु मेतना तने ngata ma ngata nang ku ga skap mang pojik bir si ches nok ni mixer le dirin i platform ju te ni lada se ju sang ma jua pulat jak chik ni na metna jak man ni shu ni na metna jak chu ni na metna jak chik ni sing ja sang ma i jibe kom lu nang ku thu go ses nok ngata ju nu ku ni contribution yu ku ni contribution yong go ses po thap sang kha chen nok chairman he aur ye decision saath mein aapne liya hai ki jo delhi chalo yatra hai isme जिस तरह से दिल्ली और मांगों को लेकर जो फोकस में चल रहा है उसके साथ जो है यात्रा किया जा रहा है तो इस पे क्या कहेंगे? जैसा कि आप सभी जानते हैं एपेक्स और केडीए की तरफ से जॉइंटली लद्दाख के चार मुद्दों पर मबनी जो हमारे डिमांड्स है उसके सिलसिले में हम लोग इत्तिजाद करते आ रहे हैं। कई साल गुजर चुके हैं और इस बीच आप लोगों को मालूम है काफ़ी पेशरफ भी बीच में हुआ, बातचीत का दौरा से सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन बीच में किसी न किसी वजूहत के बिना पर इसमें रुकावट भी आती रही। तो पिछले साल जैसा आप लोग जानते हैं कि एपेक्स और केडीए के मूवमेंट में सपोर्ट में हमारे लद्दाख के मशहूर जो इन्वायरमेंटलिस्ट है सोना वांगचुक साहब के जुड़ने के बाद इस मूवमेंट को एक नया पेशरफ मिला और ये मूवमेंट न सिर्फ लद्दाख तक महदूद नहीं रहा, हमारे देश भारत तक ही महदूद नहीं रहा बल्कि दुनिया भर में ये लद्दाख के जो मुद्दे हैं इसकी चर्चा होने लगा और इसी के नतीजे पे तौर पर शायद भारत सरकार के ऊपर भी दबाव आया, हर तरफ से दबाव आया। तो धीरे धीरे करके उन्होंने जो हमारी चार मांगों के जो कोर मांग है उस पर तो अभी तक ज्यादा उनकी तरफ से कोई फैसला नहीं आया, लेकिन आप जानते हैं कि जो कई दौर का जो बातचीत का सिलसिला हुआ उसमें भी काफ़ी कुछ भी खास तौर से जो नौजवान से रिलेटेड है, पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, उसके बारे में काफ़ी कुछ एक तरह से समझौता भी आपस में हो गया था। लेकिन चूंकि एपेक्स का ये मत था कि जब तक कोर इश्यूज़ पे हमारा डिसीशन नहीं होता है जो बाकी रिलेटेड इश्यूज़ है उसको तरजीह ना देके उसके बारे में कोई फैसला होता है तो उस पर हम तवज्जो नहीं देंगे, उसको हम नहीं मानेंगे करके, तो इस वजह से कोर इश्यूज का जो मामला है वो अभी भी लंबित है। अभी आज के बाद ये मूवमेंट का एक और फेज शुरू हो रहा है और जिसमें
श्री सोना बांगचू की क़यादत में लेह से शुरू होके भारत की राजधानी दिल्ली तक एक पद यात्रा का उन्होंने आयोजन किया है। एपेक्स बॉडी की तरफ से ये आयोजन हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि शायद केडीए की तरफ से भी इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, शायद उनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आया, जैसा कि हमारे को चेयरमैन दोरजे साहब ने पहले आप लोगों के सामने जिक्र किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शायद इनिशियल स्टेज पे वो नहीं जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जो ये दौर जब समाप्त होगा दिल्ली में तो वो भी वहाँ पर जुड़ने के लिए उन्होंने ये शायद रजामंदी भी दी है। तो फिलहाल लेह से श्री सोना बांगचू की क़यादत में एपेक्स बॉडी के निमंत्रण पर ये जो पद यात्रा का सिलसिला है वो शुरू हो रहा है, और हमें खुशी की बात है कि इस पद यात्रा में उनका साथ देने के लिए लेह के कोने कोने से वॉलंटियर्स, मुझे बतलाया गया 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स इसमें जुट चुके हैं, जो कि यहाँ से लेके दिल्ली तक जाने वाले हैं। उसके अलावा जो लेह से शुरू होके हमारे बॉर्डर तक, हिमाचल के बॉर्डर तक जो जितने भी यहाँ पर हमारे गांव हैं, लोग बसते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं रास्ते में वो जुड़ते जाएंगे और जितनी संख्या में हो सके उनके साथ जुड़ के इस जो यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जब 2 अक्टूबर को ये पद यात्रा दिल्ली में समापन की तरफ बढ़ेगा, तो तब तक हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, शायद बातचीत का दौरा शुरू सिलसिला शुरू करने के लिए कोई शायद मदद करे हो। और जैसा कि आप जानते हैं हाल ही के दिनों में लेह में 5 नए डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर देने का इन्होंने ऐलान किया है, तो उसके बारे में भी काफ़ी हाचार लोगों में है। हम जो ये फैसला है भारत सरकार का, उसका हम खैर मकदम करते हैं। एपेक्स बॉडी ने इसका भरपूर खैर मकदम किया है, सोना बांगचू जी ने भी किया है, लेकिन साथ ही साथ इसके बारे में कुछ तजवीज भी है लोगों के मन में। जैसा कि आप जानते हैं कि जहां तक यूटी का ताल्लुक है, जब हम यूटी के लिए डिमांड कर रहे थे तो हम यूटी विद लेजिस्लेचर कर रहे थे, और उसके साथ साथ बाद में हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के साथ रहते हुए जो 370 और 35A के जरिए जो सुरक्षा लद्दाख के लोगों को मुहैया था, उसके ख़त्म हो जाने के बाद तो उसको सेफगार्ड को यकीनी बनाने के लिए 6 शेड्यूल की हमने डिमांड रखी थी। तो जो कोर जो हमारे डिमांड है स्टेटहुड का हुआ, 6 शेड्यूल का हुआ, उसके अलावा 2 पार्लियामेंट्री हल्का ले और कारगिल के लिए जो घोषणा करने की बात है, या पब्लिक सर्विस कमीशन और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है, तो ये 4 इश्यूज हमारा कोर एपेक्स बॉडी की तरफ से है, और उसी पे हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करके तो इसको हल करने में जल्दी से जल्दी इकदम उठाएंगे, ये उम्मीद करते हैं। सर, काफी लोगों के जहन में ये भी सवाल उठे हैं कि बीच में आप काफी मीटिंग्स में नहीं नजर आए, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जर्नलिस्ट ने काफी सवाल किए, आपके वहाँ मौजूदगी नहीं थी, तो इस पे क्या कहेंगे, क्यों इन बीच में जो है? देखिये, मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स से 19 में ही मैंने रिजाइन कर दिया था, और मैंने तय कर लिया था मैं किसी तरह की एक्टिव पार्टी पॉलिटिक्स हो, इलेक्शन पॉलिटिक्स हो, उसके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरी कुछ प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज भी था, और वैसे भी बहुत साल हो गया, तो आप एज की उम्र के साथ साथ तो मैं घर की तरफ भी अपना तवज्जो देना चाहता था और अपना सेहत का भी ख्याल रखना चाहता था, इसलिए मैंने तय कर लिया था। लेकिन बीच में कुछ इस तरह के जो इश्यूज आए जिसके जरिए कि हमने जो शेड्यूल ट्राइब के बारे में जो पहल हमारे पूर्व एमपी जमयांग श्री नमगल के कायदात में भारत सरकार के साथ उठाया था, और उसके बाद भारत सरकार की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में ये किया था, भारतीय जनता पार्टी ने सक्सेसिव इलेक्शंस में इसको मैनिफेस्टो में रखा था, और उसके अलावा भारत सरकार की तरफ से 2-2 मंत्री लद्दाख आए थे, उन्होंने यहाँ पर जायजा लिया, उसके बाद कमेटी बनाई गई और 6 शेड्यूल के बारे में तय हो गया कि देंगे। लेकिन उसके बाद अचानक भारत सरकार की रुख में तब्दीली आया, तो उसको चलते हुए हम कुछ जो
सीनियर यहाँ के पॉलिटिशियंस थे, वेटरन लीडर्स ये कह लीजिए, जिसमें मोस्ट रेवरेंट खम्पो रिम्पोछे साहब शामिल थे, राजकृष्ण दोर्जे, रिगजिन जोरा साहब, मैं, और हमने लद्दाख के जो एमपी थे उस समय के, उनको भी वेटरन लीडर्स के साथ जोड़ के इस जो बढ़ते हुए जो भारत सरकार की ये थी रूप थे, उसको दोबारा से हम सिख शेड्यूल की तरफ तवज्जा लाने के लिए ये हमने एपेक्स बॉडी को कायम किया था। और उसके बाद आप जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, ये एक और इश्यूज पे अभी तक भी भारत सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जहाँ तक आपने मेरे पर्सनल मेरे बारे में कहा, तो मैंने तय कर लिया था कि अब मैं शायद धीरे धीरे मैं एपेक्स बॉडी से भी दूर हटूंगा, इसलिए नहीं कि मैं एपेक्स बॉडी के जो चार पॉइंट मुद्दा है उससे मुख्तलिफ राय रखता हूँ। आप लोगों को मालूम है मैंने आज तक मेरी सियासी जिंदगी में जो भी जिस पार्टी के साथ भी मैंने शमूलियत की, लद्दाख के इश्यूज के बारे में, लद्दाख के लोगों की फलाह और बहबूदी के लिए मैंने वो पॉलिसी अख्तियार किया और उसमें मैं कायल रहा। और अभी भी बेशक मैं, अब एक वक्त आएगा मैं कोर कमेटी से भी शायद मुझे थोड़ा दूरी रखना पड़ेगा, लेकिन इस कोर इश्यू के साथ मेरा कभी दूरी नहीं हो सकता और उनके समर्थन में हमेशा खड़ा रहूँगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, लगभग 12 किलोमीटर से भी ज्यादा आप चल चुके हैं और बहुत लोग हैं जो साथ में चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? तो मेरा ये कहना है कि जैसे कि आपको मालूम है, इस पद यात्रा का मेन मकसद हम उन वादों को, उन मुद्दों को फिर से गवर्नमेंट को जो है उनके रुझान को हमारे तरफ लाने के लिए है, और हमारे मुद्दों को फिर से उनको याद दिलाना है। तो
तो जिसमें हमारी जो चार पॉइंट एजेंडा है, चार पॉइंट जो मुद्दा है, तो मुझे भी इतना मतलब इतना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे इतना उम्मीद नहीं था। जिस तरह आजकल की जो बिजी शेड्यूल्स है, अगर इतने लोग इतने लद्दाख की इन चार मुद्दों की इनकी इम्पोर्टेंस को समझकर ये लोग यहाँ तक आए हैं, जिसके लिए मैं बहुत ही इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और आगे भी मुझे यकीन है कि यहाँ से जो गांव गांव जहाँ हम रुकेंगे वहाँ से लोग जुटता जाएंगे, ये कारवां बनता जाएगा। तो दिल्ली पहुँचते पहुँचते इन मुद्दों को जो है और बल है गवर्नमेंट तक पहुँचने में हमें मदद मिलेंगे। जी 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 इस पूरे मुद्दों को लेके, खो-खो पर एजेंडे को लेके, तो आपको जिस तरह से यहाँ पे जितना मशक्कत हो रहा है, एक अनशन किया पहले एपेक्स बॉडी के लिए के और से, और दूसरा जो पद यात्रा कर रहे पीसफुल पद यात्रा, तो इसका क्या आपको लगता है, क्या आना चाहिए लद्दाख के लोगों को? जैसे कि आपको मालूम है तुर्तुक के दुरुपयोग होने की वजह से ज़्यादातर लोग जो है जुट नहीं पा रहे हैं, मगर वहाँ से हर किसी को इस मुद्दों से लोग जुड़े हुए हैं, मुद्दों के बारे में लोगों को जानकारी है और ये इन मुद्दे कितने इम्पोर्टेंस है इनका, तो सबको मालूम है। आपने अभी देखा होगा वहाँ जब हमें सी ऑफ करने आए तो हमारे सारे बुजुर्ग वहाँ आ रखे थे, तो सारे बुजुर्ग जहाँ जो ले में रहते हैं वो सब आ रखे थे। इसी तरह मुझे यकीन है कि मैंने अपनी जो कम्युनिटी के लोगों से भी फ़ोन पे मैंने उनसे बात की है कि जितने हो सके हर 10-10 दिन के लिए 10-10 वॉलंटियर्स हर 10 दिन के लिए आप तैयार करके भेजें, तो शायद आने वाले दिनों में वो भी जुड़ेंगे। तो इन मुद्दों का हमें हमारी इम्पोर्टेंस कितना है और इन मुद्दों को किस तरह हमने गवर्नमेंट तक फिर से पहुंचाना है, और जो भी इस बीच में हमें कुछ मिलता है, जैसे कि अभी हमें डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हमें मिले हैं, तो उनको हम उनके अप्रिशिएट करते हैं, उनको जो है हम खैर मकदम करते हैं। साथ ही साथ हमारी जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे स्टेटहुड हो, सिक्स शेड्यूल हो और भी जो हमारे दो मुद्दे हैं, इनको फिर से गवर्नमेंट तक पहुँचा के गवर्नमेंट से स्टेप बाय स्टेप कुछ भी मतलब हमें मिले। बीच में बीजेपी गवर्नमेंट की जो लोग यहाँ हमारे नुमाइंदे हैं वो भी शायद इसके लिए हमारे बीच की जो है पुल की काम करेंगे, तो हमें उम्मीद है तो वो भी इस मुद्दे को समझ के लद्दाख की सुरक्षा और लद्दाख की जो है सेफ गार्ड को मद्देनजर रख के शायद ये लोग भी जुड़ के आगे हमारे मुद्दों को पहुँचाएंगे। शुक्रिया। निरंगमन अंग्या बा मजुक सका जुक लदक से दोतन ने गुम्मन फला इना खाक फुस्ते नोलाले तेने दक संगता दिरिंग दिल्ली चलो मोमेंट बो ओते का गता दक्सा छोते लगभग चुकी सी घाला किलोमीटर जिक रुल ते शिक्यो ते नो जबरुल शिक्यो ते नो तेने कोक्षिक मोल्ला तेने ते का कोक्षिक अबिलेगा समचुल मुन कोक्षिक मोल्ला gachu kapdun son ta na nga chen in na nga ta nga ta dimba ju na nga i kan dili su pa nyan chen ner in na nga dile nga man yang gari bergi na nga chik chan nga lek chu sing nga la da su pile chen sam te nga ing stop rak chu chu le te na nga ta leadership school la ju na mang cha pu cha nga ta sik sin na khala le go ta na men na abil chu chu le na yang khu pa mang po ma te zani chak la zang chen chu ska yuti tus pe ka na yuti demand cha te ne po me khak pe ka mon la ka su khak cha nyong dog le cha na nga ta chi ji pya nga ta goz do me cha la chi ji pya nga ti go men ne mang cha chi ko po me role bo ko chi abil azik sa le ngi ta sam tsu wi bi sam ra le nga ta po me role bo nga ta chu chi spo ladakh singa ta do ton chen mo ji gi phi la ladakh singa ta shkur ma ji phi la ladakh singa ta yi su ga chi yong chi shi phi la chu chi spo ngi ma ni se sa de sa go su ka bo chi spo nga tso ra ra ya li chin na ngi ra ma ni dem ba le te ne man na po man na da sa yi ka ngi ra ra no no thuk sa nun chin sa u kun jora sa kun ngi ra da sa chu pa da sa yi na dili cha le na ko na shku da da te ma jikspo no sama da ni ra le te we tso la po le de ra ma ma ko ti an lo yi tso se cha le zat na
तेने गाता माने छमा डेडे ल जुप ना जुगो छोटे से नो ते छमे सा दिरिंगे दोतन गो ते तेने सा टकपे सा टकपु नो गाता मन लदक से फीलिंग रा दे ता छे से ना ता ता निस ता जना ना दुक्स इन ना गाता मुति साहिब ना अमीशा साहिब गाता इबा गाता अजुक शिग नेर कोने गाता अजुक शिग माबोस मश करनो रखले इस वो बोर गोशिस गाता तेना लद्दाख सो गाता माने बॉर्डर का दुकान गाता ई गमी ना गाता इस वो पाकिस्तान ना ते समसन का दुकान गाता लद्दाख सो माने तेना ना खाचन ताई नाम दिल्ली छियाल बता दक्षिण गाता चमशी नो ताची के लमी नो ना ई ने लद्दाख ने ता से हिमाचल ने ता से जम्मू ने ता से माने दिल्ली छुपाल दिक्पर कुन गाता डुल डुल कुम डुल सो तो नो ता ई खतन ये तेजमशी दिल्ली छुपाल लिप ना चुगा साले ना संते ओमेत जाते आमी